बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। आज जैसा कि किचन में बन रहे हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी जो हर कोई आसानी से बना सकता है, आलू और चिकन के कबाब। रेसिपी शेयर करने से पहले आप सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने दो बड़े साइज़ के आलू लिए, उसे अच्छे से बॉयल करके मैश कर लिया है। चिकन को बॉयल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है। थोड़ा सा प्याज हमने इसको चॉप कर लिया। तीन अदद हरी मिर्चें हमने काट के डाल दी हैं। एक चाय का चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, एक खाने का चम्मच सोया सॉस, एक चाय का चम्मच दादर मिर्च, एक चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच गरम मसाला, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक खाने का चम्मच नमक और एक चाय का चम्मच सूखी मेथी। तमाम मसालों को हम आलू के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके हम छोटे छोटे से कबाब बनाकर ट्रे में रख देंगे। हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने अच्छे से गरम कर लिया। कबाब को अंडे में डिप करके हम ऑयल में डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।